भक्ति की ताकत इस YouTube चैनल के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको भगवत गीता में श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए कुछ अनमोल उपदेश और उनका महत्व बताने जा रहे हैं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के सभी चरणों का यथार्थ वर्णन और जीवन जीने की राह बताई है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि भगवत गीता के अनुसार आत्मा, परमात्मा, कर्म और त्याग, इनका सही अर्थ और महत्व क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो कृपया भक्ति की ताकत इस हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण भगवान की दिव्य वाणी है। इस रहस्यमय ग्रंथ का अर्थ भक्त वत्सल भगवान मुकुंद की कृपा से ही समझ में आता है। गीता वर्ण, आश्रम, देश, काल, संप्रदाय, लिंग इत्यादि के बंधन से मुक्त सार्वभौम ग्रंथ है। गीता में परम गति प्राप्त करने के लिए अनेक साधन कहे गए हैं। अपनी अपनी रुचि के अनुसार मनुष्य किसी भी साधन को अपनाकर अपना अभीष्ट मनोरथ सिद्ध कर लेता है। आइए जानते हैं कि गीता के अनुसार आत्मा, परमात्मा, कर्म और त्याग क्या है। आत्मा, इस संसार में दृश्यमान सब कुछ नाशवान है। जिसका जन्म होता है उसका एक दिन मरण भी अवश्य होगा। इसलिए शरीर प्रत्येक युग में जन्मता और मरता रहता है। ये समझकर ज्ञानी जन शरीर के संबंध में मोह नहीं करते हैं, किंतु शरीर में विद्यमान आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अक्षर, अव्यय और नित्य है। वो लाख उपाय करके भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अज्ञानी शरीर और आत्मा में भेद दृष्टि नहीं रख पाते, इसलिए दुखी और सुखी होते हैं। इसी भ्रम के कारण वो सत्कर्म और सद्धर्म से वंचित भी रह जाते हैं। जबकि किसी भी स्थिति में किसी बात का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता है। वो पाप लिप्त भी नहीं होता है। वह अचल सनातन नित्य एक रूप ही रहता है। इस तथ्य को जानने वाला आत्मस्थ पुरुष मोह के कारण कर्तव्य मार्ग से विचलित नहीं होता है। उसकी बुद्धि भी स्थिर और अडिग रहती है। निश्चल बुद्धि से किए गए अल्प साधन भी उत्तम फलदायी होते हैं। परमात्मा, लोक वेद में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम ही परमात्मा है। वो स्वयं प्रकाश किसी से प्रकाशित नहीं होता, अपितु सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अखिल ब्रह्मांड के कण कण में वो विद्यमान है। संसार में जो भी सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट है वो परमात्मा तत्व ही है। ब्रह्मांड में समस्त ज्ञान, सौंदर्य, तेज, बल उसी परमात्मा के ही रूप हैं। सत और असत इनसे परे वो इंद्रिय रहित होकर विषयों का भोगता है। वो संसार में उसी प्रकार पिरोया है जैसे मणियों में सूत्र पिरोया जाता है। यद्यपि वो समस्त सृष्टि का कर्ता पोषक है और जीवों के शरीर में भी रहता है, किंतु लिप्त नहीं होता। वो अति सूक्ष्म होने के कारण अविज्ञेय तथा अति विराट होने के कारण अप्रमेय है। उसकी सत्ता अनंत एवं ज्ञान असीम है। वो अनंत ऐश्वर्य एवं विभूतियों का स्वामी है। कोई भी भगत परायण श्रद्धावान व्यक्ति जो उसे मन बुद्धि कर्म समर्पित कर अनन्य भक्ति से भजता है वो उसे प्राप्त कर सकता है। उस परमात्मा की प्राप्ति में मन का अचल स्थापन, नित्य अभ्यास, वैराग्य, फल, त्याग आदि सहायक सिद्ध होते हैं। मन इंद्रियों को वश में रखने वाला, हर्षामर्ष उद्वेग रहित, जो शीत उष्ण मानापमान सिद्धि असिद्धि को एक सदृश समझता है वह आत्मतुष्ट योगी भगवत प्राप्ति में सफल होता है। दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति सहज ही परमात्म तत्व का अधिकारी बन जाता है। कर्म, गीता स्वयं कर्म संहिता है। इसमें नियत, काम्य एवं निषिद्ध कर्मों के साथ
कर्म अकर्म की भी विवेचना है। शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप आदि कर्म ज्ञानवान को पवित्र करते हैं, अतः करने योग्य होते हैं। पुत्र कलत्र धन समृद्धि की कामना से किए गए कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं। चोरी, झूठ, कपट, छल, हिंसा आदि स्वार्थ के लिए किए जाने वाले निषिद्ध कर्म दूषित होने से त्याज्य है। कर्म त्याग मात्र से कोई सन्यासी योगी नहीं हो जाता, जब तक संकल्पों कामनाओं का त्याग ना हो। बाहर से मन को वश में करने का दिखावा करने वाले किंतु अंदर से दूषित कामनाएं पालने वाले दंभी होते हैं। निरासक्त भाव से सभी कर्म परमेश्वर को अर्पण किए बिना मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ज्ञानी एक क्षण में कर्म फलों को त्याग देते हैं। कर्म त्यागने से कर्म करना सदैव श्रेष्ठ है। संसार चक्र संचालन के लिए परमात्मा को भी कार्य करना पड़ता है। कर्म में फलाशक्ति से काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकार उपजते हैं। फलेच्छा का त्याग ही निष्काम कर्म है, जो अंततः प्रेरणा से अनासक्त भाव से दूसरों के हित के लिए करुणावान ही कर्म किए जाते हैं, वे श्रेष्ठ कर्म हैं। जब चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर द्वंद रहित हो, एकी भाव से परमात्मा में चित्त नियुक्त रहे, तभी योग होता है। त्याग, सर्वभवद्भव त्याग को त्याग कहा गया है। समस्त कामनाओं, संकल्पों, फलेच्छाओं को त्याग देने वाला सन्यासी होता है। कुछ निषिद्ध एवं काम्य कर्मों के त्याग को भी त्याग कहते हैं, जबकि नियत कर्म यज्ञ, दान, तप आदि सत्कार्य त्याज्य नहीं होते, अपितु इनके विधान में प्रमाद त्याज्य है। सामान्यतया आसक्ति, वासना, अहम भाव, इनको त्याग को प्रमुख त्याग के रूप में स्वीकार किया गया है। सत्कर्म में गहरी रुचि, परम पुरुषार्थ में उत्साह, निस्वार्थ पर सेवा आदि त्यागी व्यक्ति के जीवन में उत्साह, प्रेम, प्रसन्नता, शांति एवं आनंद भर देते हैं। ब्रह्म विद्या से समुपब्रहित गीता कर्म योग का प्रतिपादक विश्व विश्रुत ग्रंथ रत्न है। ये ज्ञान क्षीराब्धि का नवनीत है। संपूर्ण वांग्मय को यदि वासंतिक पराश्री कहे तो गीता निश्चय ही नवीन सहकार की दिव्य मंजरी है। परमानंद की अनुभूति के लिए गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी संगम का नव्य प्रयाग है। वेद शास्त्रोपनिषद भारतीय वांग्मय में जो विशिष्ट ज्ञान धारा प्रवाहित हुई है, उसमें गीता ज्ञान गंगा का विशेष महत्व है। श्रीमद् भगवत गीता का एक संदेश, दूसरों का हित सबसे बड़ा धर्म है। इस विशाल सृष्टि में मानव ही ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक का प्राधान्य होता है। अपने विवेक के माध्यम से उसने अनेक प्रकार के उद्यम करके वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति की है। इस उन्नति का लक्ष्य जीवन को सुखी बनाना है। सुख प्राप्त करने की उसकी यह अभिलाषा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जब सुख के साधन केवल भौतिक सुखों तक ही सीमित रह जाते हैं, तो धीरे धीरे स्वार्थ और स्व की भावना बढ़ने से मनुष्य दूसरों के हित और अहित की चिंता किए बिना अपने ही सुख और साधनों को बढ़ाने में जुट जाता है। इससे समाज के साधनहीन वर्ग निरंतर शोषण की चक्की में पिसने लगते हैं। समाज में असंतुलन पैदा होने और शोषण बढ़ने से असंतोष, अराजकता एवं अनैतिकता को बल मिलता है। प्रकृति भी इस मानवीय शोषक का शिकार होती है और अंततः इससे प्राकृतिक आपदाएं भी आने लगती हैं। मानव का पूर्ण और प्राकृतिक जीवन केवल लिप्सा, भोग, कामनाओं के जाल में घिर जाता है। इससे मानवता के समर्थक दुख पाते हैं। लेकिन इसका एक पक्ष और भी है कि निजी स्वार्थ से उठकर कुछ लोग मानवता की भलाई में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं।
परहित का अर्थ। परहित दो शब्दों के योग से बना है। परहित, पर का अर्थ है अपनों से अतिरिक्त कोई भी दूसरा, तथा हित का अर्थ है भलाई। अतः इस शब्द का अर्थ है दूसरों की भलाई। दूसरों का अर्थ है वे लोग जो हमारे अपने नहीं हैं, जिनसे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। कभी कभी हम अपने नाते रिश्ते के लोगों प्रति करुणा की भावना रखकर उनका हित करते हैं, लेकिन अपने प्रियजन, परिजन, नाते रिश्तेदारी का हित करना वास्तव में मनुष्य का नैतिक कर्तव्य होता है। इसे सहायता रूप में जाना जा सकता है। इसका भी महत्व है और ये सत्कर्म है, मानवीयता है और मानव का धर्म भी है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसका अर्थ है दूसरों की भलाई के कर्म ही पुण्य और दूसरों को पीड़ा देना ही पाप कर्म है। लेकिन परहित इससे भिन्न अर्थ संकेतित करता है। जब अपने हित अहित लाभ हानि का ध्यान रखे बिना दूसरे लोगों का हित उनकी भलाई की जाती है तो यही कर्म परहित कहलाता है। परहित करने वाला व्यक्ति परोपकारी होता है। सभी प्रकार की कामना और इच्छाओं को त्याग कर ही वो दूसरों की सेवा करता है। भारतीय संस्कृति में पाप और पुण्य की चर्चा भी होती है। व्यवहार और चरित्र के धरातल पर ये दो मूल्य माने गए हैं। अपना हित सोचना मानव का कर्तव्य है और धर्म भी, लेकिन अपने हित के कार्यों को इस प्रकार करना कि दूसरों को किसी प्रकार की हानि ना उठानी पड़े, ये उससे भी श्रेष्ठ कर्म है। इनके अतिरिक्त तीसरा पक्ष भी है। अपने हित अहित की चिंता किए बिना जब कोई मानव दूसरों की सेवा या सहायता करता है तो ये श्रेष्ठ कर्म परहित होता है। विश्व इतिहास और साहित्य में इस प्रकार के अनेक चरित्र हुए हैं, जिनमें ईसा मसीह, बुद्ध, गांधी, नानक, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि महान व्यक्तित्व हैं। इन महान चरित्रों में यही समानता देखी जाती है कि इनके कार्यों से लोगों को पीड़ा और दुख से मुक्ति मिली, तभी वे सुख की ओर बढ़े हैं। परहित और जीवन। मनुष्य का अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और संतान की सेवा करना सबसे प्रथम कर्तव्य है। यथा योग्य इनका भरण पोषण उसका धर्म बन जाता है। उसके कर्तव्य की सीमा यहीं तक सीमित नहीं रहती है। अपने सगे संबंधियों के प्रति भी उसका कुछ कर्तव्य होता है। यहीं तक वो सीमित नहीं रहता है, उसे समाज के प्रति भी उत्तरदायी बनना होता है। समाज के साथ ही देश और अंततः विश्व के प्रति वो किसी न किसी रूप में जवाबदेही बनता है। वर्तमान विश्व में आज जो अराजकता, अनैतिकता, हिंसा, उग्रवाद, प्राकृतिक आपदाएं तथा युद्ध का जो संकट छाया हुआ है, उसके मूल में परहित की अपेक्षा स्वहित को ही कर्म माना गया है। आज का स्वार्थी और लिप्सा में डूबा हुआ व्यक्ति दूसरों का शोषण कर अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में डूबा हुआ है। छोटी छोटी बातों के लिए, क्षुद्र स्वार्थ के लिए हत्या कर देना साधारण सी बात मानता है। सामाजिक असंतोष, प्रदर्शन, आगजनी, हड़ताल, घेराव आदि शब्द इस व्यवस्था से ही उपजे हैं। मनुष्य विवेकशील होने के साथ साथ संवेदनशील भी होता है। अन्य जीवधारियों से उसे ये तथ्य अलग कर देते हैं। पशु में भी भूख और काम की भावना होती है। इनकी पूर्ति के लिए उसे कोई भी बंधन, नियम और व्यवस्था को समझना नहीं पड़ता है। मानव की सामाजिक भावना उसे व्यवस्था में बांधती है। अंततः परहित ही वो आधार है जो सबके ही सुख का कारण होता है। दोस्तों, यही सब बातें तो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी द्वारा बताई गई हैं।
आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक श्री हरि की आराधना में लीन रहें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।